सुपौल जिले के NH 57 पर हम सिमराही बाजार में हैं और देखिए कि लॉकडाउन के बीच में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे ऊपर ये ड्रोन कैमरा उड़ रहा है, ये देख लीजिए, ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है कि कहाँ कौन आदमी बार बार बाजार में घूम रहा है। ऐसे में प्रशासन के नज़र में अगर कई बार आप चढ़ जाते हैं तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा आदेश है। इस तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है, लोगों को घरों में रहने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो लोग तफ्ती काटते हुए यानी तफरी काटते हुए नजर आ रहे हैं, अनावश्यक घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। इन कार्रवाइयों के बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तफरी काटने वाले लोग हैं जो नहीं मानने को तैयार हैं। उनको खुद से जा करके देखना है कि बाजार किस तरह से बंद है, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसके लिए हम मीडियाकर्मी सड़क पर उतरे हैं, आपके लिए तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको आपके स्क्रीन पर सीधे वो तस्वीरें भेजते हैं, आप वहीं घर बैठे देखें। आप खुद से निगरानी करने के लिए सड़क पर ना आए, ये हमारी भी गुजारिश है। ऐसे में अगर आपकी भी तस्वीर बार बार रिकॉर्ड होगी तो प्रशासन आपको उठा कर ले जाएगी, या आप बाहर निकलते हैं तो आपकी सुटाई भी हो सकती है। बार बार अनावश्यक ना निकले, अगर आवश्यक कोई एसेंशियल सर्विस के लिए निकलते हैं तो अकेले घर से बाहर निकलें, फिर घर वापस जाएं, सैनिटाइज करें, खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं। और आप परिवार को बचाएंगे, खुद को बचाएंगे तो ये देश भी बचेगा। इस मुहिम का हिस्सा बनिए, लक्ष्मण रेखा जो पीएम मोदी ने कहा है खींच लेने के लिए, उसको मत लांघिए। देखिए किस तरह से सुटाई की जा रही है, ऐसी तस्वीरें आपके साथ भी आ सकता है। उठक बैठक भी करवा रही है पुलिस, देखिए मुर्गा बनवाया जा रहा है जो लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे में तफरी काटना कितना महंगा पड़ सकता है आपको, ये आप समझ सकते हैं। दौड़ा करके पीटती है पुलिस, और बिहार पुलिस भी आजकल सेंट्रल आर्मी की तरह काम करती है। उनके डंडे खूब बोल रहे हैं, उनकी डंडे खूब बजा रहे हैं लोगों का। ऐसे में डंडे बजवाना अगर नहीं है तो तफरी ना काटें प्लीज। दोबारा मैं कहूँगा, आप अनावश्यक आप घर से न निकले। देखिए एसेंशियल सर्विस की गाड़ियाँ, भारत गैस है और खाने पीने की जो सामग्री लेकर के ट्रक जाती है, वही ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सीधा नॉर्थ ईस्ट से गुजरात को जोड़ने वाली सड़क NH 57 यानी ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है जिस पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन, जो लोग नहीं मान रहे उसकी ठुकाई और खदेड़ करके पिटाई, ये लगातार इस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार पुलिस भी सेंट्रल फोर्सेस की तरह काम कर रही है, अभी क्यों नहीं करेगी, सख्त आदेश है। और वर्दी में एक इंसान है, उन्हें भी बचना है। अगर आप नहीं इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे तो कोई नहीं बच पाएगा, इसलिए खुद सुरक्षित होइए, परिवार को बचाइए, और परिवार को बचाएंगे तो समाज भी बचेगा, समाज बच जाएगा तो देश भी बचेगा। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, देखिए रोका जा रहा है, यहाँ तस्वीरें देखिए, लगातार हम इस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तफरी नहीं काटती, मैं बार बार आपको कहता हूँ, बिना काम का घर से बाहर नहीं निकलिए, ये मेरी भी अपील है। हम लगातार इस तरह की तस्वीरों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप चाहें तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहीं अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।